A very good morning, class. Welcome to the lecture 25 of Unit 5. And this lecture will be all about tidal energy. So we will covering the tidal energy. This lecture will cover the brief introduction of tidal energy. Then further we will discuss about its various applications, including its merit, demerit, okay, and future scope. So let's have a look at the PPT of the tidal energy, and the PPT goes like this. And these will be the contents of today's lecture. Of this lecture, we'll be starting from introduction, then tides, then type of tides, types of barrages, main parts of tidal power plant, advantages of tidal energy, disadvantages of tidal energy, major tidal plant in the world, future and references, and we'll discuss one by one as per the sequence. So we'll start with the introduction. So first of all, let us start this lecture with a question: that what is tidal energy? What is actually tidal power means? Okay. So we can say tidal energy or tidal power. These both are synonyms to each other. Okay. Tidal power is also known as tidal energy. It is a form of hydropower which converts the energy of tides into the useful form of power, mainly in electricity. So, जब tidal energy मैं बोलता हूँ तो दिमाग में क्या आता है? दिमाग में यही आता है कि इसमें कुछ ना कुछ tides से related बात होगी, ठीक है? तो अब tidal energy है, एक energy का conversion एक form का दूसरे form में हो रहा है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ द पावर मेनली इन इलेक्ट्रिसिटी. यही है आपका टाइडल एनर्जी. सो टाइडल पावर आल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर व्हिच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर मेनली इन इलेक्ट्रिसिटी. नाउ टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन. दूसरी चीज है कि टाइड्स क्या होती है. तो टाइड्स क्या है? बेसिकली वेव्स है. और क्यों, कैसे प्रोड्यूस होती है? दीज आर कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन. ओके. ओशन टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल अक्रॉस ट्वाइस इन ईच ल्यूनर डे. अब दो तरह की चीजें हैं. ओशन टाइड आपका क्या है? दीज आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल अक्रॉस ट्वाइस इन Each lunar day, ठीक है? तो ocean tides का मतलब हुआ continuous rise and fall of ocean water, ठीक है? Periodic मतलब हर time to time interval के बाद इस क्या बोलते हैं water level का ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, and it occurs twice in each lunar day, ठीक है? During one lunar day, the ocean water level rises twice and falls twice. तो ये एस्टिमेट किया गया है कि एक ल्यूनर डे में ओशन वाटर का जो लेवल है वो ट्वाइस इंक्रीज करता है, मतलब राइज करता है, और ट्वाइस ही ल्यूनर डे में डिक्रीज करता है या तो फॉल करता है. सो टाइडल एनर्जी से क्या समझिए आप? टाइडल पावर को या टाइडल एनर्जी को एक चीज है, ये क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर. पहली चीज क्या करता है? विच कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर मेनली इन इलेक्ट्रिसिटी. पहली चीज. दूसरी चीज, टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन. सो व्हाट आर द टाइड्स? टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन. तीसरा, ओशन टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल अकर्स ट्वाइस इन ईच लूनर डे. सो ओशन टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर लेवल अकर्स ट्वाइस इन ईच लूनर डे. During one lunar day, the ocean water level rises twice and falls twice. Okay. So, time interval between a consecutive low tide and high tide is 6.207 hours. तो अगर low tide और high tide के बीच का एक time interval हमको ढूंढना हो, और ये estimate किया गया है 6.5 घंटे के आसपास, ठीक है? 6.207 hours. 6.207 hours.
tidal range is the difference between the consecutive high tide and low tide. जैसे कि मैंने बताया ना, हाई टाइड और लो टाइड होता है, ठीक है? जैसे कि एक लूनर डे में ट्वाइस आपका वाटर लेवल, ओशन वाटर लेवल हाई राइज करता है और ट्वाइस ही आपका वो फॉल करता है, ठीक है? तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, एक बार क्या होता है, एक बार ऊपर जाएगा उसको कहेंगे हाई टाइड, और जब नीचे आएगा उसको क्या कहेंगे, लो टाइड। तो इन दोनों बीच के बीच का जो टाइम इंटरवल है, एक कंसेक्यूटिव हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो टाइम इंटरवल है, वो कितना एस्टिमेट किया गया है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 6 hours 30 minutes, ओके, इट इज बेसिकली 6.207 hours जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन इट इज, यू कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.5 घंटे के आसपास, ओके। एंड टाइडल रेंज, टाइडल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव हाई टाइड एंड लो टाइड। ड्यूरिंग हाई टाइड द वाटर फ्लो इन टू द डैम, एंड ड्यूरिंग लो टाइड वाटर फ्लो आउट विच रिजल्ट इन मूविंग द टर्बाइन। तो क्या होगा, जब हाई राइज होगा तो वाटर क्या होगा, इट विल फ्लो इनटू द डैम, भाई हाई टाइड है तो क्या होगा, आपका जो वाटर है वो इट विल फ्लो इनटू द डैम, और जब लो टाइड होगा इट विल रिजल्ट, मतलब नीचे सरफेस पे आएगा, और ये क्या करेगा, लो टाइड में जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी तो ये टर्बाइन को हिट करेगी, आपका टर्बाइन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऑल्दो नॉट येट वाइडली यूज, टाइडल पावर हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। Tides are more predictable than wind energy and solar energy. ठीक है, तो ये है आपका introduction. एक बार और देखते हैं introduction को, जिसको नहीं समझ में आया है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके देखते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो ये जानो tidal power. Tidal power को क्या कहा, tidal energy. ठीक है, tidal power बोलो या tidal energy बोलो, सेम चीज़ है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, क्या करता है, विच कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, मेनली इन इलेक्ट्रिसिटी। पहली चीज समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन। तो व्हाट आर द टाइड्स, पहले तो समझ आ गया टाइडल पावर क्या है, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर विच कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल पावर, ओके। नाउ व्हाट आर द टाइड्स, द टाइड्स आर द वेव्स कॉज्ड ड्यू टू gravitational pull of the moon and the sun. So what are the tides, tides are the waves caused due to gravitational pull of the moon and sun. Now what are the ocean tides, ocean tides are the periodic rise and fall of ocean water level occurs twice in each lunar day, okay. During one lunar day the ocean water level rises twice and fall twice. Now the time interval, अब time interval कितना होना चाहिए low tide और high tide के बीच में, it's 6.207 hours. So time interval between a consecutive low tide and high tide is 6.207 hours. Tidal range क्या होता है, tidal range का मतलब वो is the difference between the consecutive high tide and low tide. मतलब एक बार जब ऊपर गया और जब नीचे आया उनके बीच का जो difference हो गया वो हो गया आपका tidal range. Okay. Now तीसरा, during high tide the water flow into the dam and during low tide water flow out which result in moving the turbine. आपके हाई टाइड के टाइम में वाटर जो है डैम में फ्लो करेगा, ठीक है, और लो टाइड में ये टरबाइन को मूव करेगा। ऑल्दो नॉट एट वाइडली यूज्ड, टाइडल पावर हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। टाइड्स आर मोर प्रेडिक्टेबल देन विंड एनर्जी एंड सोलर पावर। तो एक सबसे ज्यादा फायदा यही है कि जो टाइड्स होते हैं उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओके, बट टाइड्स कैन बी प्रेडिक्टेड। वेदर फॉरकास्टिंग से हम टाइड्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं कि हाँ इतनी देर के बाद, इतने गैप के बाद, इतने आर्स के बाद हाई टाइड होगा, लो टाइड होगा, तो उसके डिफरेंस से हम टर्बाइन तो रोटेट कर सकते हैं, ओके। बट इन द केस ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर पावर इट इज नॉट एज मच एज प्रेडिक्टेबल एज इन द केस ऑफ टाइडल एनर्जी, ओके। सो सी, टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज and fall of the sea surface occurring once or twice a day driven by the gravitational attraction of the sun and the moon and by the earth rotation. So what are the tides, tides are the periodic rise and fall of the sea surface, theek hai. So tides are basically the periodic rise and fall of the sea surface occurring once or twice a day driven by the gravitational attraction of the sun and the moon एंड बाई द अर्थ रोटेशन। तो एक अगर हम
लाइन में इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी सरफेस, मतलब सी सरफेस का पीरियोडिक राइज और फॉल होता है, विच अकर्स वंस और ट्वाइस अ डे, जो कि एक दिन में एक बार या दो बार होता है, ड्रिवन बाय द, अब ये किसकी वजह से होता है, ये आपका जो पीरियोडिक राइज और फॉल हो रहा है, ठीक है, एक वंस और ट्वाइस इन अ डे हो रहा है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, इट इज ड्रिवन बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून एंड बाय द अर्थ रोटेशन. सो इट इज ड्रिवन बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून एंड बाय द अर्थ रोटेशन. राइट, दिस इज योर अबाउट द इंट्रोडक्शन. सो वी कैन से दैट टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी. ओके, सो हमारा जो फोकस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइडल रेंज पे डिपेंड करेगा, आई मीन हाई टाइड और लो टाइड के बीच के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. जब आपका हाई टाइड होगा तो वो डैम में फ्लो करेगा, और जब लो टाइड होगा तो वो टर्बाइन को हिट करेगा और टर्बाइन आपकी मूव करेगी. राइट, सो वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. और टाइडल एनर्जी अभी बहुत ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन अभी डेवलप्ड कंट्रीज में इसको यूज में लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइड्स की. व्हाट आर द टाइड्स, दिस टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्क एज अ टाइड कम्स इन एंड अगेन व्हेन इट गोज आउट. ओके, सो टाइड्स कैसे वर्क करती है, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइड्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट. राइट, तो जब गोइंग इन और गोइंग आउट बोथ डायरेक्शन में होता है तो उसकी वजह से आपका जो टर्बाइन है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है. ठीक है, तो दिस टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्क्स एज द टाइड्स कम इन एंड अगेन व्हेन इट गोज आउट. And when it comes in and goes out, the turbine is driven by the power of the sea in both the directions. Right. So when these tides comes in and goes out, then what happens? The turbine is driven by the power of the sea in both the directions. So what are the tides? This tidal electricity generation works as the tides comes in and again when it goes out. The turbine is driven by the power of the sea in both the directions. So this is the definition of tides. Now what are the different types of tides? जब आपका टाइड जो है एक बार आता है then वापस direction में जाता है, तो उसकी वजह से जो force generate होता है उसी की वजह से आपका जो है turbine rotate करता है. Right? अब दो तरह की tides भी होती है, एक होता है high tide और दूसरा होता है low tide. ठीक है, अब टाइडल पावर प्लांट, ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ द टीपीपी देख लीजिए, ये हाई टाइड और लो टाइड का आपका जो डेफिनेशन है वो ऐसे है. ठीक है, अब मेन पार्ट्स ऑफ द टीपीपी मतलब टाइडल पावर प्लांट, टीपीपी का मतलब हुआ टाइडल पावर प्लांट. सो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ टीपीपी, अ टाइडल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, द फर्स्ट बींग द बैरेज इटसेल्फ होल्डिंग द वाटर बैक ड्यूरिंग हाई टाइड. ठीक है, तो बैरेज का काम क्या होता है, पहला पार्ट होता है बैरेज, उसका काम क्या होता है, इट होल्ड अ वाटर बैक ड्यूरिंग हाई टाइड, हाई टाइड के टाइम में वाटर को वो स्टोर करता है. द सेकेंड पार्ट इज द सोलिस गेट दैट लेट वाटर थ्रू द थर्ड पार्ट. ठीक है, और दूसरा होता है सोलिस गेट, वो क्या करता है, वो आपके पानी को तीसरे पार्ट की तरफ फ्लो करवाता है. द थर्ड पार्ट कंसिस्ट टर्बाइन एंड जनरेटर रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और तीसरा पार्ट क्या होता है, टर्बाइन और जनरेटर होता है रिजल्टिंग इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर. अब एक पार्ट करके देखते हैं टाइडल बैरेज होता क्या है. पहला पार्ट जो होगा टीपीपी का, टाइडल पावर प्लांट का, वो क्या होगा, वो होगा टाइडल बैरेज. वो टाइडल बैरेज होगा क्या, अ टाइडल बैरेज इज अ डैम लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम मासेस ऑफ वाटर मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ बे और रिवर ड्यू टू टाइडल फोर्सेस. देखो या आप डायग्राम एक बार देखो, क्या ये क्या है, ये एक डैम लाइक स्ट्रक्चर है. इसका काम क्या है, इसका रोल ये है कि जब आपकी हाई टाइड्स होती है तो जो वाटर है उसको क्या करता है, वो स्टोर करता है. ठीक है, तो
A tidal barrage is a dam-like structure used to capture the energy from masses of water moving in and out of a bay or river due to tidal forces. Right? तो ये क्या करता है आपका वाटर को स्टोर करता है. ठीक है. दूसरा होता है सोलिस गेट. सोलिस गेट क्या होता है? The solace gates are left open during high tide and closed during low tide to create a water level differentiation. वाटर लेवल के वाटर लेवल में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपके सोलिस गेट को हाई टाइड के टाइम में खोल दिया जाता है और लो टाइड में आपका बंद कर दिया जाता है. जब हाई टाइड और लो टाइड में एक बार बंद होगा एक बार खुलेगा बंद होगा खुलेगा तो क्या होगा वहां एक वाटर लेवल डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होगा. ठीक है. वाटर हेड में डिफरेंस आएगा. देखो ना फ्लूइड मैकेनिक्स हाई टाइड लो टाइड वाटर हेड. तो वाटर हेड की वजह से क्या होगा अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट पावर्स द टर्बाइन व्हेन द वाटर इज रिलीज. तो ये किसका होता है काम सोलिस गेट का. अबाउट टाइडल स्ट्रीम जनरेटर. नाउ व्हाट इज टाइडल स्ट्रीम जनरेटर. टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स आर वेरी सिमिलर टू विंड टर्बाइन एक्सेप्ट दे आर बिलो द वाटर सर्फेस इंस्टेड ऑफ अबव और ऑन द लैंड. सो टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स आर वेरी सिमिलर टू विंड टर्बाइन. Okay, except they are below the water surface instead of above or on the land. Okay, so ये wind turbine की तरह ही होता है. ठीक है. Except they are below the water surface instead. ये क्या होता है? और cases में आपका above the land होता है. और इस case में क्या होता है? ये below the water surface होता है. The turbine and generator convert the movement of water coming from change in time, the kinetic energy into electricity. The turbine and generator converts the movement of water coming from change in tide, the kinetic energy into electricity. So, आपका इसका क्या काम है? ये turbine और generator क्या करता है? ये जो water है, तो water changing from change in tide, tide की वजह से जो water में change हो रहा है, उसकी kinetic energy को electricity energy में convert करता है. ठीक है? Water is 830 times denser than air, सबको पता है, therefore can generate electricity at lower speed than wind turbine. ठीक है, तो water का क्या है कि उसकी जो density है वो air से ज्यादा है 830 times. ठीक है, so it can generate the electricity even at the lower speed than the wind turbine. Okay. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं कि इसके स्कीम के बारे में. ठीक है, सिंगल बेसिन स्कीम. अब सिंगल बेसिन स्कीम है क्या देखते हैं. दिस स्कीम हैज वन बैरेज एंड वन वाटर स्टोरेज बेसिन, वन वे सिस्टम. द इनकमिंग टाइड इज अलाउड टू फिल द बेसिन थ्रू सोलिस वेज ड्यूरिंग द टाइड एंड द इम्पाउंडेड वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय लेटिंग द वाटर फ्लो फ्रॉम बेसिन टू द सी थ्रू द टर्बाइंस ड्यूरिंग सिंगल बेसिन स्कीम इज इंटरमिटेंट जनरेशन पावर. राइट. सो सिंगल बेसिन स्कीम क्या है? दिस स्कीम हैज वन बैरेज, एक बैरेज होता है एंड वन वाटर स्टोरेज बेसिन और एक स्टोरेज बेसिन होता है. सो इट इज अ वन वे सिस्टम. द इनकमिंग टाइड इज अलाउड टू फिल द बेसिन. तो इनकमिंग टाइड है आपका इज अलाउड टू फिल द बेसिन थ्रू सोलिस वेज ड्यूरिंग द टाइड एंड द इम्पाउंडेड वाटर इज यूज टू. फिर ये वन वे सिस्टम है. तो वन वे सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक तरफ से आ सकता है, दूसरी तरफ से निकल नहीं सकता है. ठीक है, तो आपका इनकमिंग टाइड को हमने बेसिन में स्टोर कर लिया. सोलिस वे से हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको जाने नहीं दे रहे हैं, हम वाटर को इम्पाउंड कर रहे हैं और इम्पाउंड करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं बाय लेटिंग द वाटर फ्लो फ्रॉम बेसिन टू द सी, फ्रॉम बेसिन टू द सी थ्रू द टर्बाइन ड्यूरिंग सिंगल बेसिन स्कीम इज इंटरमिटेंट पावर जनरेशन. दिस is your single basin scheme. समझ में आया? अब ऐसे ही double basin scheme क्या है? Double basin scheme में क्या है? In the double basin scheme, there are two basins on the landward side with the powerhouse located at the interconnecting waterway between the two basins. ठीक है? आपका double basin scheme में क्या होता है? It is the double basin scheme. There are two basins. Okay. इसमें दो basin होता है. Basin A and basin B. There are two basins on the landward side with a powerhouse located. A powerhouse कहाँ पे होगा?
located at the interconnecting waterway between the two basins. Now coming to the advantages of tidal energy. What are the advantages of tidal energy? सबसे पहला तो inexhaustible source of energy बहुत जरूरी है, ठीक है. Tidal energy is environment friendly energy and does not produce greenhouse gases. Again, it is also very important to us. As 71% of our surface is covered by water, there is a scope to generate this energy on large scale. So हमें पता है कि हमारा जो 71% है earth surface का, वो it is covered by the water. So there is more scope to generate the energy on very large scale. Efficiency of tidal power is far greater as compared to coal, solar or wind energy. Its efficiency is around 80%. Tidal energy does not require any kind of fuel to run. ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का fuel की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको potential difference high tide और low tide के बीच में रखना है, और उसके वजह से आपको जो है turbine को rotate करना है. तो किसी भी तरह का fossil fuel या कोई भी fuel आपका use इसमें नहीं होगा. The life of tidal power plant is very long, no doubt it is very long. The large density of water, almost 1000 times greater than the air, results in very large amounts of energy to get out of the tidal current even if the speed is low. So jo iska density hai water se, water ki jo density hai wo air se 1000 times, approximately 1000 times zyada hoti hai. तो इससे फायदा क्या होता है कि जो टाइडल करेंट्स है वो तो भी जनरेट हो सकती है जब इसकी स्पीड जो है कम हो, राइट. तो इसका एक एडवांटेजेस है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी. डिसएडवांटेजेस है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइडल पावर प्लांट इज वेरी हाई. देयर आर वेरी फ्यू आइडियल लोकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट एंड दे आर टू लोकलाइज्ड टू कोस्टल रीजंस ओनली. ठीक है, सब जगह आप नहीं बना सकते. कोस्टल रीजन पे बेसिकली इसको बनाया जा सकता है. कोस्टल रीजन पे इसलिए क्योंकि वहीं पर आपको ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड मून की वजह से टाइड्स का जनरेशन होगा, और उसमें डिफरेंस की वजह से आप टाइडल एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे, राइट. इंटेंसिटी ऑफ सी वेव्स इज अनप्रेडिक्टेबल एंड देयर कैन बी डैमेज टू पावर जनरेशन यूनिट्स. इन्फ्लुएंसेस एक्वेटिक लाइफ एडवर्सली एंड कैन डिस्टर्ब माइग्रेशन ऑफ फिश. ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. द एक्चुअल जनरेशन इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. द टाइड्स ओनली हैपन ट्वाइस अ डे, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दैट टाइम. द बेसिक डिसएडवांटेज इज दैट कि आपका जो एक्चुअल जनरेशन है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. क्यों? क्योंकि जो आपका टाइड है इट हैपन्स ओनली ट्वाइस अ डे, सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दैट टाइम. यूजली द प्लेसेस वेयर टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर far away from the places where it is consumed. ठीक है, no doubt अगर हम कोई sea shore ले रहे हैं, कोई coastal area ले रहे हैं, तो हमको south India जाना पड़ेगा. ठीक है, हमको अगर गोरखपुर में electricity चाहिए तो वहाँ पे हम उसको produce करेंगे और consume गोरखपुर में करेंगे, तो transmission क्या होगा वहाँ से? बहुत ज़्यादा expensive हो जाएगा और difficult भी हो जाएगा. उसका overall cost क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा. अब कुछ हम मेजर टाइडल प्लांट्स देख लेते हैं वर्ल्ड में. ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला है आपका शिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन, जो साउथ कोरिया में है. ठीक है, उसका जो कैपेसिटी है वो 254 मेगावाट है. फिर रैंस टाइडल पावर स्टेशन है जो फ्रांस में आपका है, और उसका कैपेसिटी है 240 मेगावाट. एनापोलिस रॉयल जनरेटिंग स्टेशन है जो कनाडा में स्थित है, उसका है 20 मेगावाट. फिर है जियांसिया टाइडल पावर स्टेशन, चाइना में है, 3.9 मेगावाट. फिर है किलाशिया ग्यूबा टाइडल पावर स्टेशन जो रशिया में है, और उसका जो है कैपेसिटी है वो 1.7 मेगावाट है. तो अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इसमें से अभी ये पांच कंट्रीज के पास ही टाइडल पावर स्टेशन अवेलेबल है जिसकी कैपेसिटी कुछ ऐसी है, जो साउथ कोरिया, फ्रांस, कनाडा, चाइना और रशिया. ठीक है, 254, 240, 20, 3.9 एंड 1.7 मेगावाट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फ्यूचर स्कोप. व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप? सो इन अ सोसाइटी विद इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट टू हैव अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर टू कीप अप विद द एवर ग्रोइंग एनर्जी डिमांड.
बहुत ज्यादा जरूरत है. द कैपेसिटी ऑफ टाइडल एनर्जी एक्सीड्स दैट ऑफ कोल एंड ऑयल एंड इज रिन्यूएबल. तो इसका फ्यूचर स्कोप ये है कि ये आपका कोल और ऑयल से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि आपका 71% सरफेस जो है वाटर से घिरा हुआ है और ये एक रिन्यूएबल फॉर्म है. तो इसका एक फ्यूचर स्कोप काफी है. ठीक है. द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हैज शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन द रिगार्ड्स टू टाइडल पावर एज द परफेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर द फ्यूचर. सो द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंडिया हैज शोन वेरी ग्रेट इंटरेस्ट इन रिगार्ड टू टाइडल पावर एज द परफेक्ट एनर्जी सोर्स फॉर द फ्यूचर. सो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट फ्यूचर स्कोप. सो दिस इज ऑल अबाउट द योर टाइडल पावर. टाइडल पावर का मतलब हुआ कि द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ टाइड्स, दैट इट इज अ हाइड्रो पावर जनरेशन. हाइड्रो पावर, ओके. एंड वी आर कन्वर्टिंग द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो टाइडल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा टाइड्स पे. और वो टाइड्स होते कैसे? ये आपका होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द अर्थ. ठीक है. और एक लूनर डे में आपका ट्वाइस इन अ डे देयर विल बी अ राइज इन द टाइड एंड देयर विल बी अ फॉल इन द टाइड. सो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन राइज एंड फॉल, दैट इज हाई एंड लो टाइड. एंड दैट इज हैज बीन एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली 6.207 hours. तो उसके बीच में जब हाई टाइड होता है तो आपका वाटर डैम में फ्लो करता है, लो टाइड में आपका जो है उसकी वजह से हम टर्बाइन को रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. और हमारा सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि वाटर जो है उसकी डेंसिटी 1000 times ज़्यादा है. किससे? किसके कंपैरिजन में? आपके एयर के कंपैरिजन में. तो स्मॉल करेंट्स को भी वो जनरेट कर सकता है और टर्बाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है. सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, राइट. और इसके फायदे ये हैं कि ये रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट. और इसका एक दो स्कीम है, सिंगल बेसिन स्कीम और डबल बेसिन स्कीम, राइट. सो अदर थिंग्स आर दैट वी हैव हाई टाइड एंड लो टाइड. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिया, तीन है. एक है आपका बैरेज जो आपको वाटर को स्टोर करता है हाई टाइड के टाइम, फिर है सॉलिड गेट और तीसरा पार्ट है आपका टर्बाइन और जनरेटर, राइट. तो एक बार आपका पानी को स्टोर किया गया, फिर इम्पाउंड किया गया और तीसरी बार जो है आपके जनरेटर को टर्बाइन को रोटेट किया गया. और दो स्कीम है, सिंगल बेसिन स्कीम एंड डबल बेसिन स्कीम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एडवांटेजेस आपको बता दिया, नेगोशिएबल है. और आपको ये भी बता दिया कि अभी 5 countries हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस में है. डिसएडवांटेज ये है कि इसका ट्रांसमिशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट है. साउथ कोरिया, फ्रांस, कनाडा, चाइना और रशिया में ये अभी काफ़ी प्रैक्टिस में है. यहाँ पे कुछ मेगावाट के आसपास की एनर्जी को जनरेट किया गया है. और जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड का एनर्जी डिपार्टमेंट, इवन अपनी कंट्री का भी जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हम कैसे टाइडल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करें. क्योंकि आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये टाइड्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं और इसका जो एफिशिएंसी है वो कोल और अदर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में ज़्यादा है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइडल एनर्जी. इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इट, यू कैन रेज योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.